शब्द बनाए हैं स्मोक और फॉग, दो चीजों को मिला करके। तो इसमें जब जो है फॉग और स्मोक दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इसका कण जो है वो एक ज़्यादा भारी और बड़ा कण होता है जो कि जल्दी से इधर उधर तितर बितर नहीं होता। फॉग का क्या होता है कि वो तो जैसे 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 गर्मी बढ़ती है वो जो है पानी के कण जो है वाष्पीकरण हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये स्मोक के कारण ये काफ़ी देर तक ठहरा रहता है और ये जल्दी से नहीं जाता। इसके कारण ये अलग अलग तरीके की समस्याएं देता है जो कि जो है जिस जो भी इसको इनहेल करता है, जो भी सांस लेता है, सांस के साथ साथ वो अंदर जाता है और साथ साथ में वो उसमें कई तरीके की परेशानियां जो है पैदा करता है। जिसको नहीं भी होता है उसको भी जो है खांसी, दमा, इस तरीके के रोग जो है देखने में आ रहे हैं। और इस समय पे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं और जो अस्थमा के मरीज हैं, उन लोगों की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। आज की डेट में एयर प्योरीफायर लगाना एक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जबकि जो इतनी ज़रूरत है नहीं इन सब चीज़ों की। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में मरीजों को आने वाली दिक्कतों उसको निदान के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए? इस समय पे निदान के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर हैं, बाहर कम से कम निकलें, व्हीकल्स का प्रयोग कम करें और इधर उधर जाते भी हैं तो जो है थोड़ा मास्क लगा करके रखें ताकि जो है कम से कम जो है इस तरीके की दूषित हवा हमारे अंदर जाए। और कोशिश यही है कि जो है इस तरीके के एनवायरनमेंट को अवॉइड किया जाए और हम देश और सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि ये सब चीज़ों से जो है हमें निजात मिले और हम इस समय पे कम से कम एक स्वस्थ स्वच्छ हवा जो है इनहेल कर सकें, ले सकें। तो सब पिछले दिनों में दीपावली के कारण जो प्रदूषण होता था उसका स्मॉग में रोल अच्छा होता था, तो इस समय तो दीपावली का पोल्यूशन भी नहीं था, तो इसका कारण क्या रहा? इस बार कई सारे कारण कहे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि जय साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से जय कुछ जय चीज़ें आई हैं, उधर से जय ईरान इराक की साइड से आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि जय अलग अलग तरीके से जय स्मोक पराली के कारण हो रहा है, कुछ इंडस्ट्री के कारण हो रहा है, कोई ई वेस्ट जलने के कारण हो रहा है, कोई जय डंपिंग यार्ड में चीज़ें डंप पड़ी हैं वो जलने के कारण हो रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं, व्हीकल पॉल्यूशन है, बस ट्रकों की आवाजाही बंद कर दी गई है, तो बहुत सारे कारण हैं जिसके ऊपर सरकार को जो है सम्मिलित तरीके से एक जो है एक रणनीति बना करके इस पे कार्य करना चाहिए और जो है इसका एक अच्छा निदान जो है ढूंढना चाहिए। देखा जाए कि पेशेंटों को जब इस तरह की दिक्कतें होने लगती हैं तो उनके लिए इलाज किस तरह से मुहैया कराया जाता है? इस समय पे जितने भी जो है अस्पताल हैं सब जो है दमे के मरीजों से जो है काफ़ी भरे हुए हैं और जगह जगह पे नहीं है तो किसी हर एक व्यक्ति को खांसी जुकाम जैसी जो है आम शिकायतें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो इस समय पे जो सरकारी तंत्र है वो अपनी तरफ से और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी तरफ से जो है जो भी सुविधाएं जो है मुहैया करा सकते हैं वो सब लोग करा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जो है इस चीज़ से जो है सब लोगों को निजात मिले।